एक आपने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम का जो है ना एक प्रसिद्ध मंदिर और जो है ना बालाजी सरकार का धाम तो आपने सुना ही होगा। वहीं आज हम आपको दूसरे बागेश्वर धाम के मंदिर के बारे में बताएंगे, जहां पर बाग बागेश्वर नाम का एक धाम है जहाँ पर भोले भंडारी विराजमान है। आप पीछे देख रहे होंगे ये भोले बाबा की जो है ना प्रतिमा है, इसी के समक्ष ये मंदिर है जो बाग बागेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो आज इस मंदिर की बारीकी से संपूर्ण जानकारी हम आपको दिखाएंगे। जानकारी देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। देखा होगा छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले एक बागेश्वर धाम के नाम से एक स्थान, वहीं आज हम आपको दूसरे बागेश्वर धाम के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के गुना जिले के अंतर्गत आने वाले चाचौड़ा तहसील के अंतर्गत एक बाग बागेश्वर महादेव का मंदिर स्थित। आज उस मंदिर से जुड़ी हर एक जानकारी हम आपको बताएंगे। आप पीछे देख रहे होंगे ये बाग बागेश्वर धाम जो है ना, ये मंदिर वहाँ का बना है, बाग बागेश्वर धाम के नाम से ही जाना जाता है। आप इसमें अंदर हम आपको दिखाएंगे आगे चल के, इसमें भोलेनाथ की जो है ना अति प्राचीन जो प्रतिमा इसमें विराजमान है। तो इस सब की जानकारी के लिए हमारे साथ इस मंदिर के जो पंडित जी हैं वो मौजूद हैं। तो पंडित जी से जानते हैं हम इस मंदिर की क्या कुछ महिमा है। पंडित जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र संत है और मैं बाग बागेश्वर में स्थित श्री भरतलाल जी के मंदिर पर पुजारी हूँ और बागीशनाथ जो है अनंत काल से यहाँ पर वास करते हैं। ये शिवलिंग स्वयं प्रकट है भूमि में से। बाग बागेश्वर नाथ की बड़ी महिमा है, दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। महाशिवरात्रि पर बड़े मेले का आयोजन होता है और सावन के सभी सोमवारों में दर्शनार्थियों की काफ़ी भीड़ रहती है। हमेशा पूरे साल ही समय पूरे दिन भक्तों का आना जाना लगा रहता है। हाँ, जैसे कि मान के चले कि ये मंदिर कितनी पुरानी प्रतिमा होगी है? ये अत्यंत प्राचीन है। हमारे बचपन में हमने सुना है बड़े बुजुर्गों से कि जो ये चमन ऋषि की तपोस्थली भी रही है, तो चमन ऋषि के समय से और भी पूर्व से ये भूमि में से प्रकट है ये भोलेनाथ। कभी किसी ने पहले 16 खंबे की छतरी रही थी यहाँ पर, तो जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो इसके पिलर वगैरह खुदे, तो ये भोलेनाथ और भूमि में गहरे तक भी लगभग 10-10 फीट गहरे पिलर खुदे हुए हैं इसके। तो उस समय देखा गया कि भोलेनाथ जो भूमि में से प्रकट। तो मंदिर की जानकारी पंडित जी ने आपको बड़े विस्तार से बताई, तो पंडित जी के साथ चलते हैं। अब बिना देर किए हम आपको बाग बागेश्वर के जो महादेव भगवान विराजमान है उनके हम आपको दिव्य दर्शन कराने वाले हैं। तो पंडित जी चलते हैं और हम आपको दर्शन करेंगे। आप देख रहे होंगे जैसे ही आप अंदर मंदिर में जो है ना एंटर करेंगे तो ये चैनल गेट यहाँ पर आपको पड़ेगा, यहाँ से होते हुए अपन जो है मंदिर में एंटर करते हैं। चलिए बाग बागेश्वर धाम में विराजे महादेव के हम आपको दिव्य दर्शन कराते हैं, तो आइए हमारे साथ अंदर। अब जैसे एंटर करेंगे मंदिर में एंटर करते हैं तो आपको एक घंटी मिल जाती है, जिससे ही भगवान को प्रणाम करना भी इस घंटी को कहते हैं। इसी के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कार्तिक जी हैं उनकी भी ये प्रतिमा लगी है और साइड ये इस तरीके की बताया पंडित जी द्वारा, इस तरीके की जो सावन की सावन इस टाइप भगवान की सेवा की जाते हैं। ये बागी साष्टक है जो हमारे यहाँ के स्वर्गीय श्री राधा रमण जी नागर जी गुरु जी ने लिखा हुआ है। ये बागीशनाथ की महिमा का वर्णन उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है। ओंकार स्वरूप श्री बागीश गंग जटाधर गले मुंडन माल नेत्र विशाल श्री चंद्रशेखर हे महेश्वर परम प्रिय परमेश्वरम बागीशनाथ अनाथ के तुम नाथ हो विश्वेश्वर। इस तरह से ये सामने देखा हुआ पंडित जी और चलते हैं पंडित जी के साथ और आपको भगवान की दर्शन कराते हैं। बोलिए बागीशनाथ की जय। यही है भगवान।
भगवान भोलेनाथ के बाग बागेश्वर जो विराजमान है, भोलेनाथ की अद्भुत प्रतिमा आप देख रहे होंगे, ये शिवलिंग यहाँ पर है, साथ में शायद नंदी महाराज विराजमान है, उनके गणपति और उनके वो पार्वती पार्वती मैया की जो है ना प्रतिमा भी लगी हुई है, आप देखेंगे शायद बढ़िया ये गुम्बद बनी हुई है बाकायदा। ये भोलेनाथ भूमि में से ही प्रकट है। जैसे कि पंडित जी द्वारा बताया कि ये प्रतिमा जो है ना यही भूमि में से ये प्रकट हुई है, कहा जाता है कि खुदाई करते समय ये प्रतिमा जो है ना प्रकट हुई थी, तभी से यहाँ पर सभी हैं जो है स्थानीय लोगों और भक्तों द्वारा इस मंदिर का निर्माण हजारों साल पुराना है। महाराज जी द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर एक कुइया है जो कि चर्म रोग लोगों को होता है, तो इससे कुइया में जो पानी है उससे स्नान करने से चर्म रोग जो है ना दूर हो जाता है, ऐसा यहाँ की मान्यता। और जानेंगे महाराज क्या मानता है इसकी? यही मान्यता है कि ये कभी भी टूटती नहीं है, भोलेनाथ की भरतलाल जी की सबकी सेवा पूजा में काम आता है, और जैसे किसी को चर्म रोग वगैरह कभी होता है तो अगर इस पानी का निरंतर इस्तेमाल करता है तो जो है फिर उसको चर्म रोग उसके मिट जाते हैं। और भी सांस वगैरह की बीमारी वाले लोग भी मतलब लोग इसका पानी जड़ी बूटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अमित आ गया।